आज जो है मैंने अपने हेयर को कलर किया है फर्स्ट टाइम। मैंने जो कलर यूज़ किया है मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ये वाला कलर यूज़ किया है, गार्नियर कलर नेचुरल कैरमल ब्राउन। तो वही अभी मैं जस्ट अपना कैमरा ऑन किया, मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग बनाया जाए आज तो। और 23 दिसंबर को मेरे सोसाइटी में क्रिसमस सेलिब्रेशन हुआ था तो हम लोग गए थे, बट मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया वहाँ पे क्योंकि मेरी बेटी को सारी राइड्स एंजॉय कर दी थी तो रिकॉर्डिंग रह गई मेरी। तो आज जो है मैंने अपने हेयर पे कलर लगाया है, मैंने फर्स्ट टाइम हेयर कलर अप्लाई किया है। इसके पहले मैं हमेशा मेहंदी अप्लाई करती आ रही हूँ, बट अभी मुझे डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि अभी विंटर में जो है आपको मेहंदी नहीं लगानी पड़ेगी, अदरवाइज आपका जो थ्रोट पेन होता है या टॉन्सिल्स होती है वो बढ़ सकती है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हेयर कलर अप्लाई किया जाए, तो मैंने जो है हेयर कलर अप्लाई किया है। और अभी देखेंगे कि इसका इस हेयर कलर का कलर कैसे चढ़ता है। और आज जो है आज तो बस ऐसा ही एक छोटा सा अच्छा सा दिन है। आज हम थोड़ा सा क्रिसमस डेकोरेशन करेंगे घर पे ही। क्रिसमस ट्री तो मैंने अभी तक लाई नहीं है और जस्ट अभी जो है अभी सुबह के काम शुरू हुए हैं। चाय ब्रेकफास्ट हो गया है, ब्रेकफास्ट में आज मैंने पोहा बनाया था और लंच में जो है एक करी और रोटी बनी है। एक्चुअली रोटी बननी बाकी है, एक करी रेडी है। और कुछ दिन पहले ही दत्त जयंती हुई थी तो मैंने सोचा था कि दत्त जयंती का मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करूं, बट दत्त जयंती मैंने सेलिब्रेट नहीं की क्योंकि हमारे इसमें किसी की डेथ हो गई थी तो डेथ होने की वजह से 10 डेज तक हम पूजा नहीं करते हैं। तो वो हम जो है 25th के दिन शुद्ध होने वाले हैं तो 26th से फिर पूजा कर सकते हैं। तो इसलिए दत्त जयंती का जो है पूजा इस बार मेरे घर में हुआ नहीं, नहीं तो दत्त जयंती का भी जो है हम लोग काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार दत्त जयंती की पूजा नहीं हुई मेरे घर में, नहीं तो उसका व्लॉग मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करने वाली थी। बट एनीवेज होता है कभी ऐसा। तो आज जो है आज का दिन बहुत अच्छा है, बट मेरे थ्रोट का पेन आप मेरी सुन सकते हो, आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं पता नहीं, बट मेरा वॉइस जो है अभी भी लो है क्योंकि वही टॉन्सिल्स, विंटर जब आता है तो मेरे टॉन्सिल्स जो है बढ़ जाते हैं तो मेरी वॉइस जो है वो थोड़ी सी लो हो जाती है। तो आज तो मैंने एक करी बनाई है और रोटी बननी बाकी है तो अभी मैं रोटी बनाऊंगी और उसके बाद हम आज बाहर जा रहे हैं, थोड़े से बाहर के काम हैं और छुट्टियों का डे है तो बस अब वेकेशन मूड में है, बाहर घूमना, सेलिब्रेट करना, बाहर का खाना खाना एंड ऑल दैट। तो कल तो मैंने अभी जो है एक करी बना ली है, एक करी की एक करी दिखाती हूँ मैं आपको। और ये अभी मैं ORS पी रही हूँ, ORS एप्पल। जूस वगैरह जो है वो मुझे उतने अच्छे नहीं लगते हैं जूस वगैरह, बस एप्पी फीस अच्छा लगता है बट अभी एप्पी फीस पी नहीं सकते तो इसलिए मैंने ये ORS के ड्रिंक लाए हैं। इससे जो है एनर्जी भी मिलती है। आज मैंने एक करी बनाई है, अभी जो है मुझे रोटी बनानी है और इधर मैं थोड़ा राइस भी चढ़ा रही हूँ क्योंकि रिधिमा और राहुल दोनों को भी राइस चाहिए रहता है।
अभी रोटी बनाने के बाद जो है मुझे बाथ लेनी है, क्योंकि मैंने हेयर कलर लगाया है और उसे सिर्फ 30 मिनट्स रखना है। तो जब मैंने लगाया था उसके तुरंत बाद ही मैंने सोचा कि रोटी बना लेती हूँ, ताकि फिर कैसा कि नहा लो, फिर उसके बाद ही मुझे खाना खाना अच्छा लगता है। नहाने के बाद ही मुझे खाना खाना अच्छा लगता है, उसके पहले नहीं। और भगवान की पूजा तो करनी नहीं है। बन गई है, तो 4 ही रोटी बनाई है मैंने, और बचा हुआ आटा वहीं पे रहने दूंगी, क्योंकि रात को अगर मुझे रोटी खाने की इच्छा हुई तो रात को बनाऊंगी। अभी मैंने 4 रोटी इसलिए बन अभी मैंने 4 रोटी इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे जो है डोसा खाने की इच्छा है। थोड़ा सा डोसा बैटर बचा था मेरे घर में, तो मैं अपने लिए प्लेन सादा डोसा बनाऊंगी खाने के लिए। सब्जी के साथ अच्छा लगता है मुझे, एक करी के साथ डोसा भी, तो मैं अपने लिए डोसा बनाऊंगी। तो ये है डोसे का बैटर जो बचा है, तो इसके मैं सादे डोसे बनाऊंगी अपने लिए। डोसा, प्लेन डोसा मुझे बहुत अभी जो है मैंने बाथ ले ली है, और यही टी शर्ट मैंने अपने बालों को कवर करने के लिए यूज़ की, क्योंकि अगर बालों में कोई दाग होगा कलर का, हेयर कलर का, तो वो इसमें लग जाए। और अभी तो बाल गीले हैं तो पता नहीं चलेगा कौन सा हेयर कलर आया है, तो जब ड्राई हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी मैं आपको एक डोसा बनाती हूँ, घी और शक्कर वाला। तो आपको पहले घी डालना है, उसके बाद जो भी बैटर है अपना डोसे का वो, और देन आपको इसके ऊपर शक्कर डालनी है। ये जो डोसा है ये बहुत ही अच्छा लगता है, घी और शक्कर वाला। बाकी कोई भी चीज़ आपको इसमें ऐड नहीं करनी है। इसकी ये अच्छी है टेक्सचर। हाँ ऐसे। तो ये जो बन गया है ये है घी और शुगर वाला डोसा। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, आप इसे ऐसे ही खाओ, बहुत अच्छा लगेगा।
शुगर वाला डोसा, शुगर और घी वाला डोसा।